नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। हमीरपुर में ऑनलाइन पैसों को लेकर धोखाधड़ी का मामला आया सामने। गरीब लोगों के पैसों पर एयरटेल कंपनी ने डाला डाका। सोलन में सोशल मीडिया बच्चों के लिए बना मसीहा। हजारों लोगों ने आगे बढ़कर बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े के लिए वितरित। कूड़ा मुक्त निर्जक शहर, सिर्फ नगर परिषद का दर्जा देने तक हुआ काम। खुले में बिखरी रहती है गंदगी, पानी की निकासी न होने से जाम हो गई है नालियां। पटलहा पंचायत की 40 मनरेगा महिला मजदूरों को लगभग 1.5 वर्षों से नहीं हुआ है मजदूरी का भुगतान। प्रतिनिधिमंडल ने एडीसी मंडी को दिया ज्ञापन। हमीरपुर जिला में मनरेगा मजदूरों, आशा वर्कर और गैस सब्सिडी के उपभोक्ताओं के साथ ऑनलाइन पैसों को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें बड़ी ही आसानी से बिना पूछे बैंक खातों से गरीब तबके के लोगों के पैसों पर एयरटेल कंपनी ने डाका डाला है। हमीरपुर DRDA अधिकारी संजीत सिंह ने बताया कि जिला के कई दर्जन मजदूरों के साथ सीधे बैंक से अकाउंट से पैसे निकालने की शिकायतें मिली है। उन्होंने बताया कि मनरेगा, आशा वर्कर्स और गैस की सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं की बिना अनुमति के एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने की शिकायतें मिलने पर जिला प्रशासन ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया है। ये हमें 15 दिन पहले हमारे संज्ञान में जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर सुजानपुर ने लाया कि जब वो नरेगा सॉफ्ट में देख रहे थे, क्योंकि नरेगा सॉफ्ट में हमें ये शिकायतें आ रही थी, हर जगह से शिकायतें आती हैं, सुजानपुर से शिकायतें आ रही थी कि हमारे नरेगा के पैसे जो हैं वो प्रोसेस शो कर रहे हैं नरेगा सॉफ्ट में, लेकिन वो हमारे खाते में नहीं आए हैं। जब हमने BDO सुजानपुर और BDO उनके कंप्यूटर ऑपरेटर से इसका पूरा गहन विवेचना करने के लिए कहा, तो उन्होंने पाया क्योंकि उसमें क्लियर दर्शाता है कि जब प्रोसेस शो करता है कि वो उसके पैसे किस खाते में गए हैं, किस बैंक में गए हैं, लेकिन यहाँ एक 99 करके कोड आ रहा था। आज उसमें पता चला कि ये जो पैसे गए हैं ये मनी एयरटेल मनी प्लस में गए हैं। जब इसकी और विवेचना की गई तो ये पाया कि ये पैसे उस मनी प्लस में गए हैं। हमने जब उनसे पूछा कि क्या आपने वो ये उसके लिए कंसेंट दी थी, तो लोगों ने इसके विषय में हमें कुछ भी क्लियर नहीं बताया। बता दें कि हमीरपुर और सुजानपुर में कई दर्जन मजदूरों के बैंक खातों से इस तरह की रकम गायब होने पर अब जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ है और शिकायतों को लेकर एयरटेल से जवाब तलब किया है। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी की खून पसीने की कमाई पर इस तरह निजी कंपनी के द्वारा डाका डाले जाने से मनरेगा मजदूर तो परेशान ही है, बल्कि बिना बताए अकाउंट से पैसे गायब होने से पूरे परिवार भी परेशानियों से गुजरे हैं। मेरा सब लोगों से ये अनुरोध है कि जब भी अपना आधार कार्ड आप कहीं भी सबमिट करवाएं, चाहे वो सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड दे या अन्य किसी भी पर्पस के लिए दें, तो उसमें ये अवश्य एक लाइन लिखें कि ये आधार कार्ड में किसी इस पर्पस के लिए दे रहा हूं और इसमें मेरी कंसेंट है। ये अपने हाथों से लेके साइन करके दे, क्योंकि हमेशा इसके मिसयूज होने का खतरा रहता है। यद्यपि मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि जो हमने एयरटेल भारती के यहाँ की जो स्टॉकिस्ट हैं, जो इंचार्ज हैं हमीरपुर के, उनको बुलाया था, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लेटर भी लिखा है, अखबारों में भी ये काफी चर्चा का विषय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की डलहा पंचायत से मनरेगा महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल C2 मंडी जिला उपाध्यक्ष रविकांत के नेतृत्व में ADC मंडी से मिला और उन्हें ज्ञापन दिया। C2 जिला उपाध्यक्ष रविकांत ने कहा कि डलहा पंचायत की 40 मनरेगा महिला मजदूरों को लगभग 1.5 वर्षों से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। C2 जिला उपाध्यक्ष रविकांत ने बताया कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र की डलहा पंचायत से मनरेगा महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल ADC मंडी से मिला और उन्हें ज्ञापन दिया।
रविकांत ने बताया कि डलाह पंचायत की 40 मनरेगा महिलाओं को लगभग 1.5 वर्षों से मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि महिलाएं लगभग 1.5 वर्षों से अपनी मजदूरी के लिए BDO कार्यालय, SDM कार्यालय व बैंक के चक्कर काट रही हैं, लेकिन आज दिन तक मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया। रविकांत ने बताया कि इसीलिए EDC मंडी व मनरेगा लोकपाल को ज्ञापन दिया गया है और मनरेगा एक्ट के तहत मजदूरी का भुगतान किए जाने की मांग की गई है, ताकि मनरेगा महिला मजदूरों को उनकी मेहनत की कमाई मिल सके। आज हम DC साहब से मिलने आए थे, लेकिन वो छुट्टी पर है। हमने DC साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से हमने मांग की है कि मनरेगा कानून की जो द्रंग ब्लॉक के अंदर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो कानून के अंदर प्रावधान है 15 दिनों के भीतर जो है मजदूरी का भुगतान होना है। बड़े शर्म की बात है कि 1.5 साल होने के बावजूद भी महिलाओं को जो है उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, और हमारे BDO साहब ये बोलते हैं कि मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें बैंक वालों का फॉल्ट है। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सही सर्विसेज हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं देता है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक सही सर्विस नहीं देता है, तो आपने मनरेगा वर्कर के खाते वहाँ पे क्यों खुलवाए हैं? ये सवाल जो है हम आज जो मनरेगा के अंदर जो महिलाएं यहाँ पे 40 के करीब महिलाएं आई थी, हमने जो है मनरेगा लोकपाल को भी लिखी शिकायत आज की है, और हम चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर 15 दिनों के भीतर इन महिलाओं के मजदूरी का भुगतान नहीं होता है, तो हम जो है CIT जो है इनके मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी। उसके लिए चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े, हम प्रशासन को मजबूर करेंगे कि वो कानून की पालना करें और कानून के तहत इनका वेतन का भुगतान हो। वहीं मनरेगा महिलाओं के अनुसार उनको मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मनरेगा में काम किया है, उसमें 2016 से 2017 तक काम के कोई पैसा वेतन कोई भी भुगतान नहीं किया। बैंक में गए, बैंक वाले बोलते हैं पंचायत की कमियां है, पंचायत वाले बोलते हैं बैंक वालों की कमियां है। BDO ऑफिस में गए, SDM के पास गए, कोई भी हमारी छानबीन काम के पैसों भुगतान की नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन में सोशल मीडिया द्वारा शुरू की गई मुहिम आखिरकार रंग लाई है और गरीब बच्चों की मदद के लिए हाथ उठाने लगी है। सोलन के हजारों लोगों ने आगे बढ़कर बच्चों को ठंड से बचने के लिए सामान वितरित किया है। प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों की आवश्यकता हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को पड़ती है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कि इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही गरीब बच्चों की सहायता के लिए जिले के हजारों हाथ आगे आए हैं। इस मुहिम की शुरुआत सोलन निवासी मुकेश गुप्ता ने की है। गरीब तबके के कई ऐसे लोग जो केवल 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं और बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, इन बच्चों के लिए जिले के रवोन प्राथमिक स्कूल में स्कूली छात्रों को स्वेटर और जूते बांटे गए। वहीं मुकेश गुप्ता ने कहा कि गरीबी के कारण बहुत से स्कूली बच्चों के पास सर्दियों के लिए गर्म कपड़े न होने की जानकारी जब मिली तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों से मदद की अपील की गई और काफ़ी संख्या में लोगों ने इस नेक कार्य में अपना योगदान दिया। मैडम ने मुझे बताया कि स्कूल के अंदर में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सर्दियों के डालने के लिए स्वेटर वगैरह नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके पैरों में चप्पल है, जूते नहीं है। मैंने एक छोटी सी जो सुविधा है हमारी सोशल मीडिया, उसका एक इस्तेमाल किया। उस पर मैंने बच्चों के लिए एक अपील डाली कि जो लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो आगे आए। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे सोलन जैसे शहर के अंदर से इतने लोग आगे आ गए, जितना कि हमारा सामान भी नहीं था। उसके लिए तो मैं अपने सारे सोलन नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ कि हमारे सोलन नगर के जो लोग हैं वो इस तरह के कामों में बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भक्त चल एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE मेन एंड एडवांस।
नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थकमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी हिमाचल प्रदेश, एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहटा बाजार टाउन मंडी, प्ले वे विद क्रैच। एडमिशन ऑल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी। अगर कूड़ा मुक्त शहर में जहां कूड़ा मुक्त का बोर्ड लटका हो वहीं सबसे ज्यादा गंदगी नजर आए तो कागजी हकीकत का पता चल जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों नगर परिषद नेरचौक का भी है। नेरचौक को भी नगर परिषद का दर्जा तो दे दिया लेकिन यहां सुविधाएं देने में देरी की जा रही है। वर्ष 2015 में नेरचौक शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों को मिलाकर इसे नगर परिषद का दर्जा दिया गया लेकिन दर्जा देने के बाद यहां पर सुविधाएं देने में काफी देरी की जा रही है। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी नगर परिषद की कार्यप्रणाली में कोई खास गति नजर नहीं आ रही है। शहर की साफ सफाई का जिम्मा अब नगर परिषद के पास है लेकिन नेरचौक बाजार के हालात बताते हैं कि यहाँ पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्षों से नेरचौक बाजार के लोग यहाँ फैली गंदगी से परेशान थे और आज भी हालात वैसे ही हैं। यहाँ की नालियों की ब्लॉकेज अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। नालियां ब्लॉक होने के कारण सारा पानी रुका रहता है जिस कारण गंदगी फैल रही है। वहीं शहर को कूड़ा मुक्त शहर भी बनाया गया है लेकिन जहां पर यह बोर्ड टंगा है वहीं पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नेरचौक के लोग अब इस बात को मान रहे हैं कि उन्हें नगर परिषद के दायरे में तो लाया गया लेकिन सुविधाएं ना के बराबर भी नहीं मिल रही है। यहाँ का जी नगर परिषद बन गई है और यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तो यहाँ पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि मतलब बीमारी वगैरह फैलने का यहाँ हर टाइम खतरा रहता है। तो यहाँ नगर परिषद के बाद इनको मतलब इसका प्रबंध करना चाहिए, निकासी की जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से करनी चाहिए और ताकि ये जो है हमारा यहाँ स्वच्छ रहे। पीछे देख लो पीछे कितना पानी पड़ा हुआ है, भरा हुआ है सारा और कचरा साथ में पड़ा हुआ है। तो पक्की नालियाँ वगैरह जरूरी बनना है, पहले तो पानी की निकासी हमें चाहिए तब करके यहाँ का सुधार होता है। रत्ती टू डोर कोई नाली नहीं है, पक्की नाली कोई कहीं भी नहीं है, जगह जगह पानी रुका हुआ है। कहीं ना तो यहाँ लेटरिन टैंक बना रखे हुए हैं तो निकासी है पानी की, उधर वो सारे निकाले जाने चाहिए। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद नेरचौक की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी बालिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शहर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की जा रही है। नालियों की ब्लॉकेज को सुधारने के लिए नगर परिषद ने प्रस्ताव पारित करके 50 लाख के बजट का प्रावधान कर दिया है। शुरुआती चरण में जहां अधिक समय है वहां पर काम किया जाएगा ताकि शहर वासियों को बरसात से पहले कुछ निजात दिलाई जा सके। और नेरचौक की जैसे आप बात कर रहे हैं कि नेरचौक की नालियों में जो कि ब्लॉकेट होती है वो मेरे ध्यान में मामला है और हमने उसको अपने जो हाउस की बैठक होती है उसमें हमने उसको रिजॉल्व करवाया है और उसके लिए कुछ बजट का प्रावधान किया है। और हम एकदम से सारा का सारा एरिया तो कवर नहीं कर पाएंगे लेकिन बजट के अनुसार हम कुछ कुछ एरिया का एस्टिमेट बना के प्रपोजल बना के उसको जो है टेंडर उसके कॉल करेंगे और उस काम को करवाया जाएगा ताकि अगली बरसात आने से पहले कुछ न कुछ राहत लोगों को मिल जाए। ज्ञात रहे कि जब 2015 में नेरचौक को नगर परिषद बनाया गया था तो लोगों ने इसका डटकर विरोध किया था लेकिन सरकार की मंशा के आगे लोगों की एक न चली और उन्हें नगर परिषद को स्वीकार करना ही पड़ा। अब जनता जब नगर परिषद को स्वीकार कर रही है तो उन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है और इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इन परेशानियों का हल कब तक निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन पुलिस को यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और स्पॉट पर समय पर पहुंचने के लिए 8 नई मोटरसाइकिलें उपलब्ध करवाई गई है। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने इन मोटरसाइकिलों को जिला के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने बताया कि सोलन जिला तेजी से उभरने वाला जिला है, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही में निरंतर वृद्धि हो रही है।
उन्होंने बताया कि लोगों को समय पर पुलिस से सहायता मिल पाए, इसलिए उन्होंने आज 8 पेट्रोलिंग बाइक्स को रवाना किया है। पुलिस के जवान इन बाइक्स के माध्यम से जिले के हर कोने पर नजर रखेंगे, जिससे पुलिस और लोगों के बीच एक और सामंजस्य बना रहेगा। वहीं लोगों को सही समय पर पुलिस सहायता मिलेगी तो दूसरी ओर अपराधों पर भी लगाम लग पाएगा। सोलन शहर और सोलन डिस्ट्रिक्ट खासकर एक ग्रोइंग एंटिटी है और यहाँ पर नीड्स दिन ब दिन चेंज होती हैं, बढ़ रही हैं। खासकर अगर ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स और ट्रैफिक में रोज का जो गाड़ियाँ अप्लाई कर रही हैं वो सारी बढ़ रही हैं। सोलन पुलिस ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बहुत जागरूक है। वी आर वेरी मच कमिटेड। आज इसी के मद्देनज़र 8 बाइक्स जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में सोलन डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगी, हमें PCR बाइक्स दी हैं। ये प्रयास है कि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो और प्रयास यही है कि हमारी सोलन की जनता को कम से कम इनकन्वीनियंस हो और जितना मैक्सिमम सपोर्ट ऑन रोड पुलिस का मिल सके, क्योंकि इससे मोबिलिटी बढ़ेगी। हम एक चीज़ को रिस्पांस टाइम हमारा कम होगा, हम जल्दी रिस्पांस कर पाएंगे और एक कनेक्ट बनेगा पुलिस और पब्लिक का, जो हमारा शुरू से प्रयास है। बता दें कि यह मोटरसाइकिलें जिले के विभिन्न थानों और चौकियों को दिए गए हैं, जिससे किसी भी दुर्घटना समय या किसी भी सूचना पर समय रहते पुलिस की सहायता प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा रात्रि गश्त के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा। इससे एक ओर तो लोगों को समय पर पुलिस सहायता मिल पाएगी, वहीं दूरदराज के क्षेत्रों में पुलिस के भय के कारण अप्रिय घटनाओं पर अंकुश लगाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भक्त जिले एक और छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए के चैनल। सार्वजनिक सूचना, सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2017-18 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं की परीक्षा पास करने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1/5/2005 से पहले तथा 30/4/2009 के बाद ना हो, छात्र छात्रा ने तीसरी चौथी एवं पांचवी कक्षा की पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र से स्थित पाठशाला से की हो, यदि छात्र ने इन कक्षाओं में एक दिन भी किसी शहरी विद्यालय में अध्ययनरत किया है तो वह शहरी क्षेत्र से पात्र होगा। वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2018 में 6ठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा का आयोजन दिनांक 8/4/2018 को जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण ऑनलाइन के अतिरिक्त ऑफलाइन माध्यम का भी प्रावधान किया गया है। अभिभावक अभ्यर्थी आवेदन पत्र उक्त ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। अभ्यर्थी जिस विद्यालय में कक्षा 5वीं से सत्र 2017-18 में अध्ययनरत है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से आवेदन पत्र अभी प्रमाणित कराकर प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में पावती प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। वे अभ्यर्थी जिन्होंने जनसेवा केंद्र से पहले से ही सफलतापूर्वक आवेदन जमा किया है उन्हें पुनः ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि 25/11/2017 तय की गई है। आवेदन पत्र प्रत्येक गांव में जनसंपर्क लोक मित्र केंद्र अथवा जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो में स्थापित केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pando.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही जमा करवा सकते हैं। अतः अभिभावकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले अपने पुत्र पुत्री का पंजीकरण नजदीकी जन सेवा केंद्र में करवाकर नवोदय विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहयोगी जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो की सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक DK सिंह प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो डिस्ट्रिक्ट मंडी। दूरभाष नंबर 01905282046। मंडी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाले चर्च तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। ASP मंडी BS कंवर ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत मंडी पुलिस द्वारा पिछले एक दो दिनों में जोगिंद्रनगर सदर बल और सुंदरनगर से चर्च तस्करी के आरोप में युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ASP मंडी BS कंवर ने बताया कि मंडी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाले चर्च तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया गया है।
और इसी कड़ी में पिछले एक दो दिनों में सदर, बल्ह, सुंदरनगर व जोगिंदरनगर में चरस तस्करी के विभिन्न मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इसी अभियान के तहत सुंदरनगर में पुलिस ने नाके के दौरान बस की तलाशी लेते समय हरियाणा निवासी से 2 किलो 8 ग्राम चरस बरामद की गई है और हरियाणा निवासी को चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पुलिस मंडी द्वारा दिनांक 6/12/2017 को थाना जोगिंदरनगर में 3 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई, जिसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए, जो रवि कुमार आरो गुम्मा जोगिंदरनगर का रहने वाला है, दूसरा कमलकांत, ये भी जोगिंदरनगर का रहने वाला है, हराबाग जगह का। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियुक्त अन्वेषण जारी है। पिछले कल दिनांक 7 तारीख को PS बल में 60 ग्राम कैनाबिस अर्थात चरस पकड़ी गई, जिसमें 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए, ये दोनों केरला के रहने वाले हैं। तीसरे केस में थाना सदर में पंडोह में नाका के दौरान जब 2 घंटे पुलिस का नाका जब ख़त्म हुआ, उसके बाद जब पुलिस वापस लौट रही थी तो नाका से थोड़ा सा पहले सड़क के किनारे एक बैग फेंका हुआ मिला। जब उसको चेक किया गया तो उसमें चरस 210 ग्राम पाई गई, जिसमें भी अभियोग दर्ज कर लिया गया है। और आज सुंदरनगर थाना में SHO सुंदरनगर द्वारा सुबह नाकाबंदी के दौरान बस की चेकिंग के दौरान ये NDPS का एक और केस आया, जिसमें 2 किलो 8 ग्राम चरस पकड़ी गई है और इसमें जो मुलजम है वो हरियाणा का सोनीपत जिला का रहने वाला है। अभियोग दर्ज कर लिया गया है, अन्वेषण जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में एक साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा साहित्य, साहित्यकारों और इस क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं के उत्थान के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ताकि साहित्य और साहित्यकारों का विकास हो सके। हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में साहित्यकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का विमोचन, कहानी पाठ और कविताओं का पाठ किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी और 2 अन्य संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। नवल प्रयास श्री विनोद गुप्ता जी की एक संस्था है जो साहित्य के लिए समर्पित है, और हिमालय कला संस्कृति और पर्यावरण मंच प्रख्यात कहानीकार श्री SR हरनोट की संस्था है। इन दोनों संस्थाओं के साथ मिलकर के अकादमी के सहयोग से आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर हेमराज कौशिक, जो हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात समीक्षक आलोचक हैं, हिंदी साहित्य के प्रख्यात विद्वान हैं, उनकी पुस्तक का लोकार्पण होगा, उन पर समीक्षा रहेगी, बातचीत रहेगी, और हरनोट जी की कहानी का पाठ होगा, और विनोद गुप्ता जी की संस्था नवल प्रयास के द्वारा और हरनोट जी की संस्था के द्वारा कुछ साहित्यकारों को, कुछ कलाकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। उसके बाद दूसरे सत्र में शिमला के, विशेषकर हिमाचल प्रदेश से जो लेखक कवि यहाँ पधार रहे हैं, उनका काव्य पाठ होगा, कवि सम्मेलन होगा। इस प्रकार से स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे पहले भी अकादमी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और प्रयास ये है कि साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति और कला के क्षेत्र में जो संस्थाएँ कार्य कर रही हैं उनके साथ मिलकर के कार्यक्रम किया जाए, और उसमें लेखकों की भी भागीदारी रहती है, उनको अपनी रचनाओं के पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है, और जो संस्थाएं हैं वे भी समर्पित भाव से साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए अपना योगदान देती हैं। इस अवसर पर नवल प्रयास साहित्य एवं संस्कृति को समर्पित मंच द्वारा साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हमीरपुर में ऑनलाइन पैसों को लेकर धोखाधड़ी का मामला आया सामने, गरीब लोगों के पैसों पर एयरटेल कंपनी ने डाला टाका।
सोलन में सोशल मीडिया बच्चों के लिए बना मसीहा, हजारों लोगों ने आगे बढ़कर बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े के लिए वितरित। कूड़ा मुक्त निर्चक शहर, सिर्फ नगर परिषद का दर्जा देने तक हुआ काम, खुले में बिखरी रहती है गंदगी, पानी की निकासी न होने से जाम हो गई है नालियां। पटलहा पंचायत की 40 मनरेगा महिला मजदूरों को लगभग 1.5 वर्षों से नहीं हुआ है मजदूरी का भुगतान, प्रतिनिधिमंडल ने एडीसी मंडी को दिया ज्ञापन।